नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्नेहा आईवीएफ एंड फर्टिलिटी सेंटर में। मैं हूं डॉक्टर अनीता चौधरी, मैं यहां पर गायनेकोलॉजिस्ट और यहां की डायरेक्टर हूं। आज मैं इस वीडियो के द्वारा आप सभी को आईवीएफ टेक्निक और उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताने जा रही हूं। आईवीएफ टेक्निक के लिए हम पेशेंट को पीरियड के दूसरे दिन बुलाते हैं और दूसरे दिन उसकी टीवीएस सोनोग्राफी द्वारा बेसलाइन सोनोग्राफी करते हैं और कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं जिससे कि हार्मोन का प्रोफाइल असेस होता है। और हार्मोन प्रोफाइल और बेसलाइन सोनोग्राफी नॉर्मल होने पर हम उसका दूसरे दिन से ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। ट्रीटमेंट के रूप में उसे कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं। इंजेक्शन इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि हम अधिक संख्या में अंडे प्राप्त करना चाहते हैं। नॉर्मली एक फीमेल में एक साइकिल में एक ही अंडा बनता है, पर क्योंकि आईवीएफ में हमें ज़्यादा अंडों की जरूरत होती है इसलिए हम हार्मोन के इंजेक्शंस देते हैं। दूसरे दिन से इंजेक्शंस चालू करते हैं और कुछ ओरल मेडिसिन खाने को देते हैं और 6-7 दिन बाद में पेशेंट को दोबारा बुलाते हैं, उसकी फिर से सोनोग्राफी करते हैं। उस सोनोग्राफी में हम ये देखते हैं कि कितने अंडे बन रहे हैं और उन अंडों की क्या स्टेज है, क्या उनका स्टेटस है। उसके अकॉर्डिंग आगे की दवाइयाँ और इंजेक्शंस की डोज हम डिसाइड करते हैं। फिर 3-4 दिन बाद में पेशेंट को फिर से बुलाते हैं। इस तरह से 3-4 सीरियल सोनोग्राफी होती है और उसके बाद में 10-14 दिन पेशेंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंजेक्शंस चलते हैं हार्मोन के। और जब उसके अंडे मैच्योर हो जाते हैं उस टाइम हम उसको फाइनल ट्रिगर लगाते हैं। ट्रिगर लगा के हम उसका ओवम पिकअप करते हैं। 34-36 घंटे ट्रिगर के बाद में हम पेशेंट को बुलाते हैं। पेशेंट को हम फास्टिंग बुलाते हैं और ऑपरेशन थिएटर में लेकर हल्का एनेस्थीसिया देकर ओवम पिकअप निडल की सहायता से, जो कि इस तरह की होती है, और इस ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी में टीवीएस प्रोब के द्वारा हम पेशेंट के ओवरी से अंडे हैं वो प्राप्त करते हैं, उसे रिट्राइव करते हैं। और उसी समय साथ ही हम पेशेंट के हस्बैंड को सीमन का सैंपल देने को बोलते हैं और सीमन के सैंपल की हम प्रोसेसिंग करते हैं, जो कि कई मेथड्स द्वारा होती है। सीमन की प्रोसेसिंग के बाद में हम अच्छी क्वालिटी के जो स्पर्म्स होते हैं उनको रिट्राइव कर लेते हैं और साथ ही जो अंडे हमें प्राप्त होते हैं ओवम पिकअप के द्वारा उन्हें इस तरह के डिश में मीडिया के अंदर हम रख देते हैं और जो गुड क्वालिटी स्पर्म्स हमने सीमन प्रोसेसिंग के द्वारा प्राप्त किए हैं उन्हें भी इसी तरह के डिश में मीडिया के अंदर अंडों के पास में हम छोड़ देते हैं। और उसके बाद में इस डिश को हम इस तरह इनक्यूबेटर के अंदर, जिसमें कि इसका टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, या ये कहें कि ह्यूमन गर्भाशय की तरह जो आंतरिक इसका वातावरण है वो सेट रहता है, और ये जो डिश है हम इसके अंदर रख के और 3 दिन के लिए छोड़ देते हैं। सेकेंड डे हम फर्टिलाइजेशन चेक करते हैं कि कितने अंडे हैं वो फर्टिलाइज हुए हैं। फिर उन्हें 2 दिन और वहीं पर ग्रोथ के लिए छोड़ देते हैं और 3 दिन बाद में हम डे 3 एम्ब्रियो ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसमें से हम असेस कर लेते हैं कि कितने गुड क्वालिटी एम्ब्रियोज बने हैं। ए ग्रेड के एम्ब्रियोज हम चूज करते हैं डालने के लिए। और एम्ब्रियो ट्रांसफर के दिन हम पेशेंट को कोई एनेस्थीसिया दिए बिना एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। उसमें हम 1-3 एम्ब्रियो ट्रांसफर करना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है कई कंडीशंस पे। इस तरह से एम्ब्रियो ट्रांसफर कैथेटर आता है जिसमें ये आउटर कैथेटर है, ये इनर कैथेटर है। इसमें एम्ब्रियोलॉजिस्ट एम्ब्रियो लोड करके देता है और गायनेकोलॉजिस्ट इसको सर्विक्स के द्वारा इंटरनल ओस तक इसको पहुंचाती है और इसके द्वारा लोडिंग करके एम्ब्रियो हम यूट्रस में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये तो हुई आईवीएफ टेक्निक। अब इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। जहाँ कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन इसमें हो सकती है, जो पेशेंट के सबसे पहले दिमाग में आती है और वो आते ही हमसे यही प्रश्न करता है कि इसकी चांसेस क्या हैं, इसकी सक्सेस रेट क्या है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि इसकी सक्सेस रेट है वो अप टू 40% है। 40% अप टू 40% का मतलब ये है कि 40% और less than 40%। इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स लाइक एज ऑफ पेशेंट, नंबर ऑफ एग्स वी रिट्राइव्ड, और कितना फर्टिलाइजेशन हुआ है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों पे, यूट्रस की लाइनिंग कैसी है, ये उन सब पे डिपेंड करता है। फिर दूसरी बात है, और ये यूनिवर्सल है, वर्ल्ड वाइड यही है। सेकेंड कॉम्प्लिकेशन हो सकती है मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी इसलिए क्योंकि हम 1-3 एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर हम मोर देन 1 एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हैं तो उनकी इम्प्लांटेशन की चांसेस भी ज़्यादा रहती हैं और मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकती है। ट्विन प्रेगनेंसी बहुत कॉमन है आईवीएफ में। थर्ड कॉम्प्लिकेशन इज इन्फेक्शन, फॉर्मेशन ऑफ हेमाटोमाज और इंजरी टू वेरियस इंटरनल ऑर्गन्स। ओवम पिकअप निडल के द्वारा आसपास वेसल्स को इंजरी हो सकती है, अदर ऑर्गन्स को हो सकती है, यूट्रस को ट्रॉमा पहुंच सकता है और पेशेंट को इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। उसके अलावा
अगर पीसीओडी का पेशेंट है और उसमें हॉर्मोन्स के इंजेक्शन की डोज हमने सेट करी है, उससे अगर नॉर्मल से ज़्यादा अंडे बन गए तो पेशेंट को ओएचएसएस भी हो सकता है। ओएचएसएस एक टर्म है जिसमें ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम इसे कहते हैं। इसमें पेशेंट को पेट में पानी भरना, छाती में पानी भरना, हाइपोटेंशन होना या इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होना, या कभी कभी पेशेंट शॉक की कंडीशन में भी जा सकता है। तो ऐसे पेशेंट को हम नॉर्मली अगर ये कम लेवल का है तो घर में ट्रीट कर सकते हैं, पर अगर ये सीवियर लेवल का है तो पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत भी पड़ती है। हॉस्पिटलाइजेशन करके उसका सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट होता है, पेशेंट यूजुअली ठीक हो जाता है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस रही और ये IVF टेक्निक के बारे में मैंने आपको आज बता दिया है, और इसी वीडियो के द्वारा मैं आपको यही इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी। धन्यवाद।